दोस्तों बॉलीवुड में आज अगर कोई एक्टर अपनी वर्सेटाइल के लिए दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है तो वो अभिनेता आशुतोष राणा ही है, जिन्होंने कभी संघर्ष फिल्म में एक किन्नर की भूमिका अदा करके सभी को अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है, तो कभी दुश्मन फिल्म में गोकुल पंडित जैसे खूंखार आदमी की भूमिका को पर्दे पर पेश करके कई अवार्ड अपने नाम किए। लेकिन दोस्तों अपनी हर एक फिल्म में अपने किरदारों में बसने वाले अभिनेता आशुतोष राणा के बारे में तो आप सब जानते होंगे, पर क्या आप इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको आशुतोष राणा की फैमिली से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपने फेवरेट अभिनेता आशुतोष राणा के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले। बॉलीवुड जगत के मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा का जन्म गढ़रवारा के एक ठाकुर परिवार में हुआ था, जिनके इस परिवार में इन्हें मिलाकर कुल 16 सदस्य हैं, में ये इनके माता पिता भाई बहन और बीवी बच्चे शामिल है। बात करें इनके परिवार के मुख्य सदस्य की तो इनके परिवार की शुरुआत होती है इनके पिता से, जिनका नाम नारायण निखरा है, जो कि पेशे से किसान थे, पर अफसोस इनके पिता आज दुनिया में नहीं है। इनका कुछ समय पहले ही बढ़ती बीमारियों के चलते 95 साल की उम्र में निधन हो गया। पिता के बाद अब बात करें इनकी माता के बारे में तो वो लाइमलाइट से कोसों दूर है, इसलिए उनकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। माता पिता के बाद अब बात करें इनके भाई बहनों की तो आपको बता दें कि आशुतोष राणा अपने 11 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, पर क्योंकि इनके सभी भाई बहन लाइमलाइट से कोसों दूर रहना पसंद करते हैं, इसके चलते इनके भाई बहनों की कोई भी जानकारी और तस्वीर उपलब्ध नहीं है। वहीं बात करें इनके पत्नी के बारे में तो आपको बता दें कि इनके पत्नी का नाम रेणुका सुहाणे है, जो कि बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा है, जिन्होंने हम आपके हैं कौन, मासूम और एक अलग मौसम जैसी एक से बढ़कर एक यादगार फिल्मों में अभिनय किया है। बात करें इनकी लव स्टोरी की तो आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। आशुतोष राणा रेणुका को पहले ही नजर में दिल दे बैठे थे, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि मैं इसी लड़की को अपना हमसफर चुनूंगा, और इसीलिए उन्होंने अपने दिल की बात रेणुका रहाणे से की। जहां आपने ही एक्सपर्ट के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान बताते हुए उन्होंने कहा कि एक बार रेणुका को फोन कर उन्होंने एक कविता सुनाई। इस कविता में उन्होंने वो सब कुछ कह डाला था जो उन्हें प्यार के एहसास को पूरा कर रहा था। कविता को सुनने के बाद ही रेणुका ने तुरंत आई लव यू कह दिया था, और फिर क्या था वो दिन उनके लिए सबसे ज्यादा खास दिन रहा, जिसके बाद करीब 2 साल डेट करने के बाद दोनों ने साल 2001 में एक दूसरे से शादी कर ली, और आज शादी के करीब 19 साल बाद दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, और दोनों दो बेटों के माता पिता भी बन चुके हैं। वहीं अगर बात करें इनके दोनों बेटों के बारे में तो आपको बता दें कि इनके दोनों बेटे अभी काफी छोटे हैं, जो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, और स्टार किड होने के चलते इनकी कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इनके इस परिवार से रूबरू होकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।